हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1st इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका डिफरेंस हमें 8 दे। अब पेयर क्या होता है? पेयर मतलब होता है जोड़ा, हिंदी में उसे जोड़ा कहते हैं। जैसे ए एंड बी कोई दो इंटीजर है एंड इन दोनों को जोड़ा या पेयर कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो पहले तो बोला गया है कि डिफरेंस 8 आए। डिफरेंस मतलब क्या होता है? नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, एंड नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर में 8 आए। अब किनको सब्ट्रैक्ट करना है? पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को, मतलब कोई दो नेगेटिव इंटीजर इस तरह से लीजिए कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। मतलब ये नंबर भी नेगेटिव होगा एंड जो आप सेकेंड नंबर लेंगे यह भी नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे हम कौन से नंबर ले लें यह पता चलेगा आगे और सॉल्व करें। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो माइनस ही आएगा एंड ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन मुझे पता है कि रिजल्ट तो 8 ही आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंट इंटीजर आएगा, जो भी नंबर आएगा डिफरेंट इंटीजर होगा एंड डिफरेंट इंटीजर के केस में नंबर सब्ट्रैक होता है। मतलब मुझे यह पता चल गया है कि नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक होकर 8 आएगा। तो ऐसे कौन से दो नंबर ले सकते हैं जिन्हें सब्ट्रैक करने के बाद 8 मिले? 10 एंड 2 ले सकते हैं, क्योंकि 10 से 2 सब्ट्रैक होगा तो 8 आ जाएगा। 10 को कहां पे रखे और 2 को कहां पे रखे, ये यहां पे सोचना है। तो आंसर में देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। डिफरेंट इंटीजर के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मतलब क्या होता है, डिफरेंट इंटीजर में नंबर तो सब्ट्रैक होता है एंड साइन कौन सा आता है? जो बड़े नंबर के पहले होता है। मतलब कि बड़े नंबर के पहले अगर पॉजिटिव आया होगा तभी यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया है। मतलब इस पॉजिटिव के बाद हम बड़े नंबर रखेंगे, 10 को यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से पता चलता है। तो 10 यहाँ पे आ गया एंड 2 यहाँ पे आ गया। देख लीजिए, डिफरेंट इंटीजर है, इन्हें सब्ट्रैक करेंगे तो 10 माइनस 2 8 ही आएगा एंड साइन बड़े नंबर के पहले पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही आया है, जिसे लिखने की जरूरत होती नहीं है। बस हमें पता चल गया यहाँ पे कौन से दो नंबर होने चाहिए, यहाँ पे 2 होगा एंड यहाँ पे 10 होगा। क्लियर है? बहुत इजी है, थोड़ा सावधानी से इसको देखना है। बी नंबर है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is minus 5। एक negative integer है and दूसरा positive integer है and इनका sum minus 5 आना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे दो integer का हमें sum करना है and result fix है जो कि minus 5 ही आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो integer ले लें? पहला integer के बारे में बताया गया है कि minus होना चाहिए तो minus ही यहाँ पे लेना है एंड सेकेंड इंटीजर के बारे में बताया है कि यहाँ पे आपको प्लस का ही इंटीजर लेना है, कोई भी आप ले लो। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस ही आएगा, देन नंबर लेंगे एंड यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, फिर नंबर लेंगे जिनका रिजल्ट माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ भी डिफरेंट इंटीजर आया है तो डिफरेंट इंटीजर में हमें पता है नंबर सब्ट्रैक होगा, मतलब कि नंबर सब्ट्रैक होकर 5 आया है। तो ऐसे कौन से दो नंबर ले सकते हैं जिन्हें सब्ट्रैक करने पर 5 मिले? मैं यहाँ पे 8 एंड 3 ले सकता हूं, क्योंकि 8 माइनस 3 5 आएगा, पता है मुझे। अब दूसरी चीज यह है कि आंसर में यहाँ पे माइनस है। अब माइनस आंसर में कब आया होगा? जब बड़े नंबर के पहले नेगेटिव साइन लगा होगा। तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 8 है, इसलिए इस 8 को हम माइनस के बाद लिखेंगे। ठीक, अब पॉजिटिव के बाद बचा 3, 3 लिख देंगे। चेक कर लीजिए, डिफरेंट इंटीजर में नंबर सब्ट्रैक होता है, 8 माइनस 3 5 आएगा एंड साइन आता है जो बड़े नंबर के पहले है, जो कि 8 के पहले माइनस है, तो आंसर में माइनस ही आया है। मतलब कि आपको यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है वह माइनस 8 है एंड पॉजिटिव इंटीजर में 3 है। कितना ईजी है, बस जैसा बोला उसको लिख देना है, फिर बाद में आपसे इंटीजर बनता है कर लेंगे आप। अब सी नंबर में पढ़िए क्या बोला गया है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस 3। क्या बोला है?
कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेना है एंड इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस -3 होना चाहिए। क्या पता चला? डिफरेंस क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। किनका डिफरेंस? पहला नेगेटिव इंटीजर का और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का। तो यहां पे लगा दीजिए नेगेटिव इंटीजर मींस माइनस एंड यहां पे आएगा पॉजिटिव इंटीजर मींस प्लस। और इसे अगर आगे हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस ही आएगा एंड यहां पे माइनस इनटू प्लस माइनस आएगा एंड रिजल्ट तो फिक्स है कि -3 ही आपको लाना है। अब -3 कैसे लाएं? तो यहां पे देखिए सेम इंटीजर के केस में नंबर क्या होता है? जुड़ता है। मतलब कि ये जो 3 आया है ये इन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद आया है। तो किन दोनों नंबर को हम ऐड करें कि 3 आ जाए? 1 एंड 2 को ऐड करने पर 3 मिलता है। एंड सेम इंटीजर के केस में साइन भी सेम आता है, मतलब माइनस का ही आया है। मतलब आप कहीं भी 1 एंड 2 को लिख सकते हैं। ये हो गया सेम इंटीजर में नंबर ऐड होकर 1 + 2 = 3 आया एंड साइन भी सेम आया। हमें पता चल गया कि फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर -1 है एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर +2 है, इनका डिफरेंस -3 आता है। इस तरह से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको लिखिए, फिर उसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये साइन अगर सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।